दोस्तों फ़ोन में ये जो बैटरी है, फ़ोन के डिस्प्ले के वजह से बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होता है। यहाँ पर देखिए स्क्रीन सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, जिस वजह से फ़ोन में बैटरी जल्दी डाउन होता है, बैटरी जल्दी ख़त्म होता है। आज इस वीडियो में फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊँगा, अगर उन सेटिंग्स को फ़ोन के डिस्प्ले में कर लोगे बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, पूरा दिन आपके फ़ोन में बैटरी चलेगा। फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ खुफिया सेटिंग बताऊँगा। अगर आप जानना चाहते हो फ़ोन के डिस्प्ले में वो सीक्रेट सेटिंग क्या है जिसे करके फ़ोन के बैटरी को पूरे दिन यूज़ कर सको, 2 से 3 दिन चलेगा बैटरी, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ ज़रूर से व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ पर भी हो सके शेयर करना, ताकि उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सत्य, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में ये छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन में बाकी ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए एंड्रॉयड ट्रिक्स, ये छोटा सा कमेंट लिख कर ज़रूर से सेंड कर देना। दोस्तों इस वीडियो में फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ ऐसे सेटिंग्स बताऊंगा, अगर उन सेटिंग्स को फ़ोन के डिस्प्ले में कर लोगे फ़ोन में बैटरी पूरे 2 से 3 दिन चलेगा, बैटरी जल्दी डाउन नहीं होगा। सभी एंड्रॉयड फ़ोन के डिस्प्ले में उन सेटिंग्स को कर सकती हो। और फ़ोन के डिस्प्ले में वो सेटिंग क्या है बताने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक अकाउंट लिंक है, ज़रूर से मुझे फेसबुक में फॉलो कर लेना, फेसबुक में बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक शेयर करता हूँ। अगर आप फ़ोन में सेटिंग ओपन करोगे पूरे यहाँ पर नीचे आओगे और यहाँ से बैटरी सिलेक्ट करती हो, पूरे यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर देखिए स्क्रीन सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करता है, जिस वजह से फ़ोन में बैटरी जल्दी डाउन हो जाता है। और आज इस वीडियो में फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ यूनिक सेटिंग बताने वाला हूँ, जिन सेटिंग को करने के बाद फ़ोन में बैटरी जल्दी डाउन नहीं होगा। तो फ़ोन में सेटिंग ओपन करना है, सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है डिस्प्ले, डिस्प्ले सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 डिफरेंट कंपनी के यहाँ पर फ़ोन है और दोनों ही फ़ोन में आपको ये सेटिंग करके दिखा देता हूँ, सभी एंड्रॉयड फ़ोन में ये सेटिंग आपको करने को मिलेगा। ये फ़ोन में देखिए सेटिंग ओपन किया और यहाँ पर देखिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, बस ये ऑप्शन अलग अलग नाम से हो सकता है, बस आपको यहाँ से देख लेना है वो सेटिंग कौन सा है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सेटिंग भी बताऊँगा। जैसे ये फ़ोन में देखिए ऑप्शन है कॉलर स्कीम, ये सिलेक्ट करना है। अगर इस फ़ोन की बात करें यहाँ पर देखिए, अगर आप नीचे आओगे देखिए ऑप्शन है स्क्रीन कलर मोड, इस नाम से ये सेटिंग दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है ऑटो सेचुरेटेड स्टैंडर्ड और यहाँ पर देखिए वाइप नेचुरल प्रो मोड, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, इसे स्टैंडर्ड मोड में सेट करना है। अगर आप यहाँ से ऑटो मोड में सेट करती हो, बहुत सारे कलर्स होते हैं फ़ोन में जो काफ़ी ब्राइटनेस होते हैं, जिस वजह से बैटरी जल्दी डाउन होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे आप स्टैंडर्ड सेलेक्ट करोगे यहाँ पर कलर थोड़ा आपको अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यकीन मानना बैटरी बहुत ज़्यादा सेफ होगा। ठीक उसी तरीके से आपको यहाँ से प्रो मोड सेलेक्ट करना है। जैसे आप प्रो मोड सेलेक्ट करोगे हो सकता है आपको डिस्प्ले यहाँ पर देखने में थोड़ा मज़ा ना आए, लेकिन बैटरी बहुत ज़्यादा सेफ होगा। और यह था पहला सेटिंग जो ज़रूर से आपको करना है फ़ोन के डिस्प्ले में। अभी बढ़ते हैं सेकंड सेटिंग। दोस्तों यहाँ पर आपको यही ऑप्शन मिलेगा रिफ्रेश मोड, ठीक है। अगर आप यहाँ से नीचे आओगे देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन है स्क्रीन रिफ्रेश रेट, यह ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेगा देखिए हाई एंड स्टैंडर्ड, और यहाँ से आपको इसे स्टैंडर्ड मोड में सेट करना है। जैसे आप यहाँ से स्टैंडर्ड मोड सेलेक्ट करोगे आपके फ़ोन में बैटरी बहुत ज़्यादा सेफ होगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर देखिए, अगर आप 5 में करते हो 90 हर्ज़ में ये वर्क करेगा, अगर आप स्टैंडर्ड में करते हो 60 हर्ज़ में ये काम करेगा। और देखिए रिफ्रेश रेट ऑफ 60 हर्ज़ टू कंजर्व बैटरी, यानी बैटरी बहुत ज़्यादा सेफ करेगा, ये क्लियरली यहाँ पर मैंशन है। ये सेटिंग करना, यह था दूसरा सेटिंग। अभी बढ़ते हैं नंबर 3 सेटिंग। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे देखिए यहाँ पर अगर आप नीचे आते हो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ब्राइटनेस लेवल, ब्राइटनेस लेवल सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ऑटो ब्राइटनेस मोड, अगर आप यहाँ से ऑटो ब्राइटनेस मोड इसे ऑन करती हो क्या होगा ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्राइटनेस कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे यहाँ पर होगा, लेकिन आपको यहाँ से ऑटो ब्राइटनेस मोड इसे ऑफ रखना है।
ये वाले फोन में भी देखिए ऑटो ब्राइटनेस देख सकते हो, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ऑटो ब्राइटनेस, इसे ऑफ रखना है ताकि यहाँ पर जो भी आप ब्राइटनेस लेवल सेट करती हो मैनुअली वो ही आपको यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ब्राइटनेस थोड़ा मैंने ज़्यादा करके रखा है, लेकिन इसे 50% में रखिए और ऑटो ब्राइटनेस मोड इसे डेफिनेटली ऑफ करके रखना है। तो ये था नंबर 3 सेटिंग। अभी बढ़ते हैं नंबर 4 सेटिंग। इसी डिस्प्ले सेटिंग के अंदर आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ऑटो स्क्रीन रोटेट। ये ऑप्शन अगर ऑन होगा डिफॉल्ट में तो इसे आपको ज़रूर से ऑफ करना है, ऑटो स्क्रीन रोटेट। जैसे ये फ़ोन में भी देखिए आपको देखने को मिलेगा ऑटो स्क्रीन रोटेट, देख सकते हो यहाँ पर देखिए ऑटो रोटेट इसे ऑफ करके मैंने रखा है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑटो स्क्रीन रोटेट इसे ऑन करके रखोगे डिस्प्ले यहाँ पर इस तरीके से ये रोटेट होता रहेगा और बैटरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूम होगा, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन होगा बैकग्राउंड में रोटेट करने के लिए स्क्रीन, तो काफ़ी यहाँ पर आपका बैटरी यूज़ होगा। यह सेटिंग भी ऑफ करके रखना है। तो यह था नंबर 4 सेटिंग। 3 से 4 सेटिंग बता चुका हूँ, अभी जो आखिरी सेटिंग है उसे आपको करना ही करना है। दोस्तों फोन में जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ आखिरी सेटिंग, उससे 90% 90% तक बैटरी सेव कर सकती हो। दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए ऊपर अगर आप आओगे डिस्प्ले ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए देखिए बैक करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए डिस्प्ले और इसी सेटिंग के अंदर देखिए सबसे ऊपर आपको या फिर नीचे ऑप्शन मिलेगा, दो मोड देखिए यहाँ पर लाइट मोड डार्क मोड। जैसे आप ये फ़ोन में देखिए लाइट मोड डार्क मोड, और यहाँ पर लाइट मोड में देखिए बहुत सारे यहाँ पर देखिए लाइट्स ब्लिंक हो रहे हैं, देखिए देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लाइट्स यहाँ पर ऑन है, जिस वजह से बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो यहाँ से क्या करना है, डार्क मोड सिलेक्ट करना है। जैसे मैं ये फ़ोन में भी देखिए डार्क मोड सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए डार्क मोड ऑन हो चुका है और देखिए चारों तरफ यहाँ पर डार्क हैं, सिर्फ यहाँ पर ये थोड़े बहुत यहाँ पर लाइट आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर लेटर्स हैं, उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हो डार्क मोड ऑन हो चुका है। अगर आप लाइट मोड रखते हो यहाँ पर ये सभी लाइट्स जलेंगे और आपके फ़ोन में बैटरी और भी जल्दी डाउन होगा। तो यहाँ से डार्क मोड सिलेक्ट कर लीजिए और 90% तक बैटरी आप फ़ोन में सेव कर सकते हो। अगर आप ये पांचों के पांचों सेटिंग फ़ोन के डिस्प्ले में कर लेते हो, यकीन मानना आपके फ़ोन में बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगा। 2 से 3 दिन इजीली आपके फ़ोन में आप बैटरी को यूज़ कर सकती हो और यह सेटिंग आपको सभी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको करने को मिल जाएगा, कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो पे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।